इंसान की आंखें कैमरे के मुकाबले कम मेगापिक्सल की होती है या ज्यादा, जानिए आंखों और कैमरे द्वारा प्रतिबिंब बनाने में अंतर। आंखों की कैमरे से तुलना करना गलत नहीं। जिस प्रकार आंखें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और उस प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, उसी प्रकार कैमरा भी हर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। फर्क केवल इतना है कि कैमरे में रेटिना नहीं होता, बल्कि रेटिना का काम करने के लिए लेंस होता है, और कैमरे द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा के लिए संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि हमारी आंखों द्वारा देखी गई कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब केवल उतनी देर तक साथ रहता है जितनी देर तक हमारी आंखें उस वस्तु को देख रही है, या फिर जितनी देर तक हम उसका प्रतिबिंब याद रख सकते हैं, परंतु यह हमेशा के लिए संभव नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी यादें धुंधली होने लग जाती है, और साथ ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब भी। मेगापिक्सल आंखों की और कैमरे की कितनी? आमतौर पर मोबाइल के कैमरे 8, 16, 32 मेगापिक्सल के होते हैं। आजकल बाजार में 48, 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले मोबाइल भी आ गए हैं। इन कैमरों से ली गई फोटो की क्वालिटी हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा होती है। यदि बात की जाए आंखों की, तो इंसान की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है, यानी कि यह 24-24 पिक्सल से मिलकर बनी है। हमारी आंखें चारों दिशाओं में देखती है और अंत में एक छवि रेटिना पर बनती है जो कि मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। आज वैज्ञानिकों ने 576 मेगापिक्सल वाले कैमरे भी बना लिए हैं, पर इस कैमरे के साइज एक कमरे के बराबर है, और इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड को देखने के लिए और वहां की पिक्चर्स लेने के लिए किया जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी आंखों की मेगापिक्सल कैमरे के मुकाबले बहुत अधिक होती है।